फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं अनिल मौर्य और आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो मैं एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले और आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5paisa एप्लीकेशन यानी 5paisa का जो मोबाइल ऐप है, 5paisa का जो डीमैट अकाउंट है, उसका जो मोबाइल ऐप है, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने अलग अलग ब्रोकिंग के जो भी डीमैट अकाउंट्स है उनके ऐप के बारे में हो या फिर उनके डेस्कटॉप वर्जन के बारे में हो, ऐसे कई सारे वीडियो बनाया है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, चॉइस ब्रोकिंग, स्टॉक कार्ड, अप स्टॉक, इसी तरह से कई सारे वीडियोज़ बनाया है। आप अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखा है और आप उन डीमैट अकाउंट को यूज करते हैं तो आप उन सभी वीडियोज़ को चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये जो 5paisa है, 5paisa के मोबाइल ऐप को ओपन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप अपना डीमैट अकाउंट 5paisa में ओपन कर सकते हैं। एक बेहतरीन ब्रोकर है 5paisa, जो कि सबसे लोवेस्ट ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं और काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ऐप्स में। तो आप इनके ऐप्स को यूज करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक जो है दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको एक आईडी पासवर्ड आ जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फ्रेंड आपका जो है लॉगिन कर लेना है। क्लाइंट आईडी और पासवर्ड आने के बाद आपको 5paisa का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा फीचर दिखेगा, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह से फीचर दिखेगा। तो अभी यहाँ पे एक एक फीचर्स के बारे में जानते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला है जो लाइव, उसके बाद बुक, आइडिया और म्यूचुअल फंड और यूजर, तो इन सब के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहले लाइव पे अगर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको टॉप पे माई स्टॉक दिखेगा, यानी आप अगर कोई स्टॉक होल्ड करते हो, आपके पास कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट। उसके बाद वॉच लिस्ट होता है, निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट होता है, यानी निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है उनका एक वॉच लिस्ट होता है। निफ्टी 50 में जो भी लिस्टेड स्टॉक है उनका एक यहाँ पे वॉच लिस्ट दिया होता है। तो आपको निफ्टी 50 के स्टॉक को यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिया होता है। उसके बाद यहाँ पे माई वॉच लिस्ट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपने अपने मन से किसी भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो ये प्लस का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके या फिर जो है यहाँ पे जो सर्च का बार दिया, सर्च बार दिया, यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से वॉच लिस्ट 2 दिया है, वॉच लिस्ट 3 दिया हुआ है। तो आप तीनों वॉच लिस्ट में आप अपने मन से किसी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। बाकी निफ्टी 50 का स्टॉक तो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। उसके बाद आप अगर कोई भी पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे देखो एक दिया है गेट इन्वेस्टमेंट आइडिया, राइट। तो यहाँ से आप अगर आप बिगनर है, आप नए है, तो यहाँ पे जाके आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप इनके जो एक पेड प्लान है जिसके कुछ चार्जेस है 400-500 रुपये, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म आइडिया और शॉर्ट टर्म आइडिया आपको मिल जाएंगे, जिनके परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, जिसके लिए थोड़े से चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो आप नए हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप ये 4999 का प्लान लेके आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडिया मिल जाएगा, स्टॉक्स मिल जाएगा, कई सारे फीचर्स इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट दिया है बुक, यानी जब कोई आप स्टॉक खरीदते हो तो आप यहाँ बुक पे चले जाओगे तो सबसे पहले कोई चीज़ ऑर्डर प्लेस करोगे तो यहाँ पे आ जाता है, राइट। अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है तो आपको पोजीशन में दिखेगा, अभी मार्केट बंद है नहीं तो मैं आपको बाई सेल करके दिखा दूंगा। एक नए वीडियो में लाइव मार्केट में आपको बाई सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे लगाते हैं ये भी इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो पोजीशंस में आप कोई भी स्टॉक अगर ओपन है तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहीं से आप स्टॉक को टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसका फ्रेंड्स आप एक VTT ऑर्डर है जो कि काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर है, ऑप्शन दिया है, यानी VTT क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए नो मोर अबाउट VTT, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे VTT क्या है, तो यहाँ पे देखो ये दिया है वैलिड टिल ट्रिगर, राइट। यानी ये एक ऐसा ऑर्डर है कि जब तक, अगर मान लो आपने कोई भी स्टॉक बाई करना है और आपको लग रहा है कि ये जब 200 अभी चल रहा है 300, जब 270 आएगा तब मुझे खरीदी करना है, राइट। यानी जब 270 प्राइस आएगा तब मुझे खरीदी करना है और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 300, तो क्या होगा, आपको बार बार ये देखते रहना पड़ेगा कि 270 आए तब मैं खरीदी करूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आप VTT ऑर्डर में जाके आप कोई भी स्टॉक को 270 डाल के सबमिट कर दो, जब तक वो 270 ट्रिगर नहीं होगा, जब तक वो 270 आएगा नहीं तब तक ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, जैसे ही 270 आएगा वो आपको बाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया VTT ऑर्डर इज वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसमेंट,
जब भी ऑर्डर आप प्लेस करोगे वहाँ से एक साल तक वो वैलिड रहता है, एक साल तक ऑर्डर वो प्लेस रहता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है कि जैसे मान लो आप कोई नया स्टॉक बाई करना चाहते हो तो नीचे का प्राइस आप ऑर्डर लगा के रख दो, जब तक बाई नहीं होगा तब तक वो वहाँ पे ऑर्डर पड़ा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि आप जो है जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक ली खरीदा हुआ है, आप उसको टारगेट लगाना चाहते हो, लेकिन क्या होता है नॉर्मली क्या होता है डेली बेसिस पे टारगेट लगाना पड़ता है राइट ना, डेली आप नया नया टारगेट लगाते हो फिर कैंसिल हो जाता है फिर अगले दिन लगाते हो। तो यहाँ BTT ऑर्डर में आप एक बार टारगेट लगा के छोड़ दीजिए, जब तक वो टारगेट हिट नहीं होगा तब तक आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जो है यहाँ पे VTT ऑर्डर जो है, आप तो कोई भी स्टॉक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड न्यू VTT ऑर्डर पे क्लिक करिए, तो वहाँ से आप और नया ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं राइट। आप यहाँ प्लेस प्लस पे क्लिक करेंगे और जस्ट आपको यहाँ पे स्टॉक सर्च करना है, किस स्टॉक का VTT ऑर्डर लगाना है, आप वहाँ से VTT ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको SIP करना है, किसी स्टॉक का SIP करना है तो स्टॉक SIP भी यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया है नो मोर अबाउट SIP, तो आप यहाँ से SIP के बारे में जान सकते हैं कि SIP क्या होता है राइट। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पे स्टॉक या किसी भी चीज़ का SIP कर सकते हैं। तो अभी मंथली बेसिस पे आपका वो अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट से कट होता जाएगा और वो स्टॉक बाई होता जाएगा। तो काफ़ी ये अच्छा ऑप्शन है, SIP दिया हुआ है, तो बहुत सारे फीचर्स इसमें फ्रेंड्स अच्छा दिया है जो कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट पे आपको नहीं मिलेगा। तो होल्डिंग यहाँ पे दिया है आपका कौन सा स्टॉक होल्डिंग, अगर कोई स्टॉक आपका यहाँ पे होल्डिंग है तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिया है, यानी जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया VTT SIP ये सारी चीज़ें अच्छे ऑर्डर से यहाँ पे अच्छे ऑप्शन दिया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आइडिया, यानी जैसे कि पहले मैंने दिखाया आपको अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो यहाँ पे पोर्टफोलियो आइडियाज दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, दे सकता है आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे राइट। तो कई सारे अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं डिविडेंड के लिए, कई सारे ऐसे अलग म्यूचुअल फंड दिए। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं 400-500 रुपये पे करके तो आपको ये जो है आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप इसको यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिया है, यानी अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाता है कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, इनकी तरफ से रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड भी दिया रहता है राइट। तो इस तरह से कई सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन दिया है, यहाँ वेल्थ बिल्डर, हाई ग्रोथ राइट, स्टेबल ग्रोथ, टैक्स सेवर, ऐसे कई सारे आप यहाँ पे व्यू ऑल से फंड्स पे क्लिक कर देंगे तो आपको अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स है, जैसे आपको टैक्स बचाना है तो आपको टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, हाई ग्रोथ का अगर ऐसा म्यूचुअल फंड लेना है तो वो ले सकते हैं राइट। तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वैल्यू ऑफरिंग, इस तरह से कई सारी चीज़ें दिया फ्रेंड्स, इसका इसको यूज कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये हो सकता है राइट। यहाँ पे लर्निंग के लिए भी इन्होंने कुछ ये दिया है, मतलब टॉपिक्स दिए हैं, तो आप इसको यहाँ से भी कुछ म्यूचुअल फंड इन सब के बारे में सीख सकते हैं राइट। तो इसका यूज करके आप म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आपको गलत डिसीजन नहीं होगा क्योंकि इनकी तरफ से स्टडी करके मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड लास्ट यहाँ पे एक यूजर का ऑप्शन दिया है, तो यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर के ऑप्शन में सबसे पहले तो आपको अगर आपने डेरिवेटिव एक्टिव नहीं है राइट, अगर आपका फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ देखो दिख रहा है एक्टिव डेरिवेटिव्स, जैसे कि इस अकाउंट में अभी तक फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, तो अगर आपको एक्टिवेट करना है तो बस आपको एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना है। एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन जो भी होता है, यहाँ पे आपको 6 महीने का ये अपलोड करना होता है, स्टेटमेंट या ITR, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे राइट। कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हो वो सेगमेंट आप यहाँ पे ऐड कर दो, आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है आपका 6 महीने का स्टेटमेंट या फिर जो भी ITR, ये सब अपलोड करके आप यहाँ से अपना ये जो फ्यूचर ऑप्शन है एक्टिवेट कर सकते हैं। आपका फंड यहाँ पे दिख जाएगा, नेट फंड दिख जाएगा, फंड आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन दिया है, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे जो है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिया है जो कि मैंने बताया ऑलरेडी, तो वो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। इंश्योरेंस लेना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है, यानी किसी को इंश्योरेंस लेना है तो अपने एक ही ऐप से आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। गोल्ड खरीदना है तो यहाँ से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। स्टॉक SIP करना है SIP कर सकते हैं। आपको लोन चाहिए फ्रेंड्स तो इनके ही प्लेटफॉर्म से आपको लोन भी मिल जाएगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे ऑप्शन दिए हैं। आपको IPO अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक IPO का ऑप्शन दिया है, तो जो IPO कैसे अप्लाई कर सकते हैं, IPO पे क्लिक करना है।
आपको यहाँ पे देखो कोई ओपन आईपीओ इशू है तो चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ कमिंग कोई आईपीओ आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ फोर्थ कमिंग पे क्लिक करेंगे तो अभी ये आईपीओ आ रहा है, राइट, ये इंजीनियरिंग सनसेरा इंजीनियरिंग करके आ रहा है, राइट, 734 रुपये का है, 14 सितंबर को आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे जो लगा कि यहाँ पर आईपीओ की जो है ना पूरी डिटेल्स यहाँ मिल जाती है, राइट, जिसके बारे में पढ़ने के लिए हमको अलग से ऐप में जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आईपीओ के बारे में जितनी जानकारी हमको चाहिए वो सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे आप देखो आईपीओ का जो भी डिटेल्स चाहिए हमको यहाँ पे ये मिल जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आईपीओ के बारे में नीचे आप यहाँ पे जैसे लिस्टिंग डेट वेट जो भी है सब मिल जाएगा आईपीओ के बारे में, यानी पूरी यहाँ पे देखो इसके फाइनेंशियल प्रमोटर होल्डिंग अबाउट कंपनी के बारे में, राइट, उसके बाद इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है 3 साल की, रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस ईबिटा ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, कंपनी की स्ट्रेंथ, राइट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको उस जो है आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल्स पूरी जानकारी यानी जो आपको चाहिए पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी दे रखा है इन्होंने एक ही ऐप पे। और नीचे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं व्हाट इज एन आईपीओ, यानी आईपीओ के बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए नॉलेज चाहिए आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे पूरे एक एक चीज़ दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। तो आईपीओ के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ दिया है, अब इसको आप अप्लाई करना चाहते हो तो कल ये जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने एक आईपीओ अप्लाई किया था, राइट, तो यहाँ पे जो अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी वो चला गया है, तो यहाँ से आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं आप, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आईपीओ अप्लाई करने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या मेरा नंबर दिया है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो यूएस स्टॉक यानी अभी जो नया एक सभी ब्रोकर्स ने लॉन्च किया है यानी इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया है कि हम यूएस स्टॉक में भी ऐड कर सकते हैं, यानी यूएस स्टॉक में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है, गूगल है, फेसबुक है, इन सब स्टॉक पर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है यूएस स्टॉक, इसमें आपको जाके केवाईसी करना होता है, यानी इसके ऊपर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको एक केवाईसी करना पड़ता है, आप अपना केवाईसी कर देंगे तो उसके बाद आप जो है यूएस स्टॉक यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में जो भी स्टॉक है उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अभी सभी ब्रोकर्स में अवेलेबल है तो ये ऑप्शन को आप यूज करके आप देख सकते हैं मतलब किस कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है यूएस के कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से चार्जेज लगते हैं, समथिंग 2000-3000 रुपये चार्जेज है केवाईसी, जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ देखो करेंगे यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी प्रोसेस दिया हुआ है, आप अपना केवाईसी करेंगे तो कुछ तो चार्जेज पे करना पड़ता है 2000-3000 रुपये वन टाइम वो चार्जेज पे करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे ये जो स्टॉक है यानी जो भी माइक्रोसॉफ्ट है, राइट, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक है, इन सब स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप यूएस के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपना केवाईसी कर लीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही 2000-3000 रुपये आपको चार्जेज वन टाइम पे करना पड़ेगा अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से केवाईसी करके यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है मार्केट स्नैपशॉट, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या फीचर, सबसे पहले टॉप गेनर लूजर, राइट, यानी आपको यहाँ पे टॉप गेनर लूजर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग यानी टॉप गेनर लूजर 52 वीक हाई लो वॉल्यूम टॉपर्स एनएसई अपर सर्किट लोअर सर्किट, यानी ये चार टाइप के स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर 52 वीक हाई लो पे क्लिक करता हूँ, जो भी स्टॉक है जो 52 वीक हाई लो पे है उनका पूरा लिस्ट आ जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कैनर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में आप किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का ओपन है, राइट। तो आप किसी भी इंडेक्स का यानी जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी का निफ्टी दिया, हम निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी का ओपन ये यहाँ पे ऑप्शन चेन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसी तरह से किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन ले सकते हैं, आपको ऑप्शन चेन की जगह पे देखो रोलओवर क्या चल रहा है इस समय, फ्यूचर ऑप्शन गेनर फ्यूचर ऑप्शन जो ओपन इंटरेस्ट है गेनर लूजर का लिस्ट आ जाएगा, प्राइस गेनर लूजर फ्यूचर ऑप्शंस के यहाँ जाएंगे, राइट। जैसे कि मैं यहाँ प्राइस गेनर लूजर पे अगर क्लिक करता हूँ फ्यूचर ऑप्शन के जो भी स्टॉक का प्राइस गेनर लूजर है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है। उसके बाद इंडाइसेस पे जाएंगे तो इंडाइसेस में जो है आपके जो भी इंडाइसेस हैं
जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, राइट, निफ्टी आईटी, जो भी इंडाइसेस है उनका पूरा लिस्ट आ जाता है, उनका प्राइस आ जाता है, आज वो बढ़े हुए घटे हुए पूरा यहाँ पे लिस्ट आपको आ जाता है, राइट। तो ये का जो है मार्केट स्नैपशॉट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर रिसर्च, यानी जो भी मैंने आपको पहले दिखाया, यानी इनके जो रिसर्च कॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन दिया है, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर, राइट, सेंसिबल का भी ऑप्शन दिया है, मार्केट बूस्ट, स्क्रीनर, स्मॉल कैश न्यूज, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन। जैसे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनर के लिए आपको टेक्निकल, शेयर होल्डिंग, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम, राइट, यानी आप स्कैनर भी यहाँ से लगा सकते हो। जैसे आप टेक्निकल पे क्लिक करोगे तो अलग अलग स्कैनर आ जाता है, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर 30 डे, सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे, सिंपल मूविंग, राइट ना, यहाँ पे अलग रहे MACD क्रॉसओवर, RSI, तो यहाँ पे अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस के स्कैन दिए हुए हैं। कैंडलस्टिक में चले जाएंगे तो कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे बुलिश हरामी, इन्वर्टेड हैमर, ये सब पैटर्न्स के बारे में आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप स्कैनर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप स्विंग ट्रेडर हो, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इसके बारे में आपको यहाँ से स्टॉक मिल जाएगा, राइट। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिए हैं, आप एक एक ऑप्शन को यूज करिए, मैं एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब टूल से कैलकुलेटर, यानी आपको यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर, राइट, एक्सपोजर लिस्ट और प्राइस अलर्ट, ये आप यहाँ से लगा सकते हैं, किसी भी स्टॉक का प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं, मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपोजर लिस्ट निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे माई रिपोर्ट दिया है, यानी आपका जो है पोर्टफोलियो प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे देखिए आपका पोर्टफोलियो लेजर, DP बिल, ट्रांजेक्शन बिल, राइट, बुक्ड प्रॉफिट एंड लॉस, आपने कितना प्रॉफिट लॉस अब तक बुक किया है यहाँ चेक कर सकते हैं, आपका लेजर चेक कर सकते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड कुछ है तो वो चेक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स आपने फंड डाला है निकाला है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो सारे ऑप्शन एक ही जगह पे दिया है। रेफर एंड अर्न, आप अगर किसी फ्रेंड को रेफर करते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पे सीखने के लिए कुछ चीज़ें दिया है, सेटिंग्स है, राइट, सपोर्ट है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, एक एक ऑप्शन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं कि अगर हमको जो है किसी स्टॉक को ऐड करना होगा वॉच लिस्ट में तो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है, देखो यहाँ पे हॉट स्टॉक, यानी कौन सा स्टॉक चल रहा है इस समय, ये भी आ जाता है, राइट। तो जैसे जो लोग, बहुत सारे लोग छोटे मोटे स्टॉक को बाई करना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी किसी स्टॉक को ऐड करना हो तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करते बाद करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा आप स्टॉक को ऐड करना चाहते हो। मान लो मुझे HDFC अगर मुझे ऐड करना है तो मैंने HDFC पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप HDFC पे क्लिक करते हो, यानी आप देखो यहाँ पे इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, आप जो भी ऐड करना चाहो, मान लो कमोडिटी से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल चाहते हो तो क्रूड ऑयल टाइप करिए और उसके बाद कमोडिटी पे क्लिक करिए तो डायरेक्टली क्रूड ऑयल आ जाएगा। करेंसी कुछ चाहते हो तो करेंसी पे क्लिक करो, राइट। उसके बाद आपको अगर सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो यहाँ देखो कैश ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको HDFC कैश में चाहिए तो सिर्फ कैश क्लिक रहने दो, अगर आपको उसका फ्यूचर चाहिए तो फ्यूचर क्लिक कर लो, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन क्लिक कर लो, राइट। तो यहाँ पर मान लो मुझे HDFC को चाहिए तो यहाँ पर मैंने कहा कि HDFC पे यहाँ देखो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट पर हम क्लिक करेंगे, लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ऐड टू माई वॉच लिस्ट, राइट। तो उसके बाद अब यहाँ पे आपको ऐड टू माई वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम अगर मान लो किसी स्टॉक के ऊपर सर्च करते हैं, आप अगर वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए तो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे देखो चार्ट मिल जाता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ फ्रेंड देखिए नीचे जो है बाई सेल का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप बाई सेल कर सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालना है, राइट। यहाँ पे देखो इंट्राडे, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इंट्राडे हो जाएगा, यहाँ क्लिक करो डिलीवरी हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइस डालना है। अगर आप मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक करना है आपको और मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है, सबसे पहला चीज़ तो आप अलर्ट, आप अगर किसी स्टॉक का अलर्ट लगाना चाहते हो कि ये इस इतने से ऊपर जाए तो मुझे अलार्म आ जाए, मैसेज आ जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो अलर्ट पे जाओगे आप, देखो यहाँ पे राइज है वो फॉल बिलो, यानी जैसे कि आप यहाँ पे डाल दोगे अगर प्राइस की ये जब 1560 के ऊपर जाए तो मुझे अलर्ट आ जाना चाहिए। अब क्या कुछ मैसेज टाइप कर दो कि मुझे बाई का मैसेज आए, ऐड कर दो, तो जैसे ही 1560 पहुंचेगा आपको बाई का एक मैसेज आ जाएगा। सेल बिलो यानी आप चाहते हो कि इतने से जैसे 1550 से नीचे आ जाए तो मुझे एक मैसेज आ जाए, तो आपको इस तरह से ऐड कर सकते हो, सेल अलर्ट पे आप जाके सेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन दिया हुआ है, आप किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन देख सकते हैं और वहाँ से ऑप्शंस बाई भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है इसका स्टॉक का प्राइस दिख जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका ये दिख जाएगा, स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा, कॉल्स का
जो है ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम दिख जाएगा, राइट, इस तरह पुट का दिख जाएगा। अब यहाँ से जिस एक्सपायरी के चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम दिया है, जैसे मान लो आपको कोई बाई करना है, जस्ट उसके ऊपर 1700 का कॉल बाई करना है, जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बाई और सेल का ऑप्शन आता है, बस आपको बाई पे क्लिक करना है और वो स्टॉक यहाँ पे बाई करने के लिए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, राइट, यानी इसका एक लॉट साइज 550 का है, कितने बाई करना चाहते हैं बाई कर लीजिए। और उसके बाद आपको कोई चेंज नहीं करना, मतलब यहाँ वैलिडिटी ये सब चेंज नहीं करना है, राइट, डिलीवरी बस इंट्राडे आप जो चाहे आप ले लो, और उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ से आप बाई कर सकते हो। यहाँ पर दिखा रहा है रिक्वायर्ड मार्जिन, राइट, अवेलेबल कितना है, रिक्वायर्ड कितना है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये भी काफ़ी अच्छा मुझे ऑप्शन लगा, यानी किसी स्टॉक का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ये स्टॉक कैसा है, फंडामेंटल, टेक्निकल, यानी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। तो ये भी ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यानी ये स्टॉक के बारे में, राइट, ईपीएस स्ट्रेंथ कैसा है, प्राइस स्ट्रेंथ कैसा है, बायर डिमांड कैसा है, ग्रुप रैंक कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो स्टॉक के बारे में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एक ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे, डिटेल्स रिलेटेड, चेकलिस्ट, इस्टीमेट, राइट, कई सारी चीज़ें, से डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टॉक के डिटेल्स के बारे में आ जाता है, आपको स्टॉक के डिटेल्स के बारे में पूरा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, राइट, उसका फाइनेंशियल सारी चीज़ें, यानी पूरी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक है इससे, ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट आप यहां से, तो इस पर आप एक एक ऑप्शन में चले जाइए, अभी मैं एक एक ऑप्शन को बताऊंगा। सबसे ज़्यादा डिलीवरी कब उठाई गई, कहां उठाई गई है, कितनी उठाई गई, ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ है कुछ स्टॉक के बारे में, तो आपको न्यूज़ सेक्शन मिल जाता है, ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, आप एक एक ऑप्शन को देखिए, काफ़ी बेहतरीन लगेगा आपको ये ऐप जो है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनालिसिस यहाँ पर दे दी गई है, एक ही स्टॉक के अंदर बहुत कुछ दे दिया गया, राइट। तो एक ही ऐप के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, स्टॉक के एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक के बारे में जान सकते हैं, चार्ट दे सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक डिटेल्स मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपको ये स्टॉक सिग्नल्स क्या दे रहा है, यानी बाई बुलिस में है या बीरिस में है, ये आपको मिल जाएगा, राइट, कुछ स्टॉक का न्यूज है तो यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो है आपको स्टॉक के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ मिल जाती है, बाई सेल कर सकते हैं, राइट। अब लाइव मार्केट में एक बार मैं आपको बता दूंगा कि बाई सेल कैसे कर सकते हैं या फिर टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे किसी स्टॉक का ऑप्शन ऐड करना है, राइट, जैसे कि आपको किसी स्टॉक का बैंक निफ्टी या निफ्टी, राइट, स्ट्रेटजी अगर बनाना है, तो आप ये सेंसिबल का एक नया ऑप्शन है, आप यहाँ से सेंसिबल पर जाकर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, राइट, ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं सेंसिबल के जरिए, राइट। उसके बाद आपको किसी बैंक निफ्टी निफ्टी का जैसे आपको ऑप्शन चाहिए, तो बस यहाँ पे निफ्टी टाइप कर दीजिए। निफ्टी टाइप करने के बाद आपको उसका जो है, आप चाहे तो यहाँ से ऑप्शन चेन ले लीजिए, तो डायरेक्टली आप जो है वहाँ पे ऑप्शन चेन से बाई सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट डालना पड़ेगा, जैसे निफ्टी 16 सितंबर, राइट, इस तरह से आपको सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको इस तरह से टाइप करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये चेन के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है, अब जो है 16 सितंबर का आपको क्या चाहिए, कॉल चाहिए, पुट चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे सेट स्ट्राइक प्राइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चले, राइट। तो आप यहाँ देखो एरो दिया हुआ है, जस्ट यह एरो दिया है, एरो पे क्लिक करके आप जो है कौन सा स्ट्राइक प्राइस चाहिए आप देखो यहाँ सेट कर सकते हैं। मान लो आपको 17400 चाहिए, तो डन 17400। अब उसके बाद आपको कौन से वॉच लिस्ट में ऐड करना है, 1 में ऐड करना है, 2 में ऐड करना है, राइट। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, 2 में ऐड करना है, उसका प्रीमियम यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऐड वॉच लिस्ट में कर दीजिए, आपको वो वॉच आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हुआ रहेगा, तो आप वहाँ से उसको बाई सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो ऐड हो गया है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 पैसे मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे फीचर्स को मैंने कवर किया है इस 5 पैसे के मोबाइल ऐप के बारे में। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर अपना मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप या बिगनर है, या फिर आप 5 पैसे के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक दिया है, आप वहां जा सकते ओपन कर सकते हैं, या फिर आपका डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम भी आपकी तरफ से आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।